बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ डिफरेंट फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट में से, जो कि है हमारे पास एग्जिस्टेंशियलिज्म। राइट, प्रीवियसली हमने जो फिलोसफीज डिस्कस की थी वो थी आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड एसेंशियलिज्म। राइट, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट फिलोसफी, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म एज पर इट्स नेम, नेम्स जो फिलोसफीज के हैं ज़्यादातर वो अपने जो बेसिक थॉट है या बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या आइडिया है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म, एज पर द नेम एग्जिस्टेंशियलिज्म एग्जिस्टेंस से निकला हुआ है, और एग्जिस्टेंस मीन्स किसी चीज़ की जो आपकी प्रेजेंस होती है। ठीक है, ये फिलासफी यूरोपियन फिलासफी है और ये बेसिकली ज़्यादातर जो पॉपुलर हुई थी वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और इसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म ऐसी फिलॉसफी है जिसमें एग्जिस्टेंस पे फोकस है, फ्रीडम एंड चॉइस पे फोकस है इंडिविजुअल की। ठीक है, इंडिविजुअल कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या उसकी फ्रीडम है और क्या उसकी चॉइसेस हैं। इनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो चॉइस वो करते हैं अपनी इंडिविजुअल अपनी लाइफ के लिए, उसी से उसका जो फ्यूचर है उसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या है, ये है कि ह्यूमन अपना डिफाइन करते हैं अपनी लाइफ को और रैशनल डिसीजंस करते हैं, जिसकी वजह से वो इरेशनल जो यूनिवर्स है उसमें अपनी एग्जिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, इसका फोकस जिन क्वेश्चंस के ऊपर है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर है मेजर फोकस, और फीलिंग्स दैट देर इज़ नो पर्पस और एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोर ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या एग्जिस्टेंस का क्या कोर है, क्या रीज़न है, क्या बेसिस है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ अ टाइटल ऑफ सेट ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियाज दैट एम्फसाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या रीज़न है उसकी, क्या पर्पस है लाइफ का। ठीक है, सॉलिट्यूड मीन्स अलोन या आइसोलेशन, आइसोलेशन में अगर देखें तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ डिफाइंड बाय द स्लोगन, जो स्लोगन है या जो टाइटल है या जो आपका कॉन्सेप्ट है उस एसेंस से निकला हुआ है। ठीक है, उसका टारगेट एसेंस से है। इसका मीनिंग क्या है, वी हैव नो प्री डिटर्मिन नेचर और एसेंस दैट कंट्रोल व्हाट वी आर। वो कोई एसेंस नहीं है जो कंट्रोल करे कि हम क्या हैं, हम क्या करेंगे और हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है। We are radically free to act independently to determine by outside influences. ठीक है, हम free हैं अपनी choices बनाने के लिए, करने के लिए, decision making के लिए, right? और इसके अलावा हमारे जो choices हैं, अपनी choices अपने values के basis पे हम बनाते हैं। ठीक है, और human की nature है कि वो free choice बनाना के काबिल होना चाहिए, right? Create करने कर सकता हो। ठीक है, इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनमें अगर आप इसके फादर देखिए, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म की जिन्होंने बेसिस रखी थी, कीयरकेगार्ड नाम है उनका, और उन्होंने ही बेसिस रखी थी। इसके अलावा जो बाकी एक्सपोनेंट्स हैं या बाकी सपोर्टर्स हैं जिन्होंने फर्दर प्रमोट किया था इस फिलॉसफी को और एग्री करते थे इस फिलॉसफी से, वो ग्रीन, किलर और मॉरिस हैं। और जो हमारे पास बेसिस है उसकी, वो थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है, एस्थेटिक, एथिकल और रिलीजियस। ठीक है, यही तीन बेसिस है जिसके बिना पे आप अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने चॉइसेस बनाते हैं और उसी चॉइसेस के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं और अपनी लाइफ को जिस तरह चाहे वो स्पेंड कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे आप अपना स्कूल ऑफ थॉट बनाते हैं कि व्हाई वी आर एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। कॉन्सेप्ट देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म का, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म ब्रॉडली फिलोसॉफिकल टर्म ऐसी है कि जिसका फ्री विल, चॉइस या पर्सनैलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि कोई ऐसे यूनिवर्स नहीं है, देर आर नो यूनिवर्सल गाइडलाइंस फॉर मोस्ट डिसीजंस। ऐसे यूनिवर्सल गाइडलाइन नहीं है कि हर एक को यही गाइडलाइन फॉलो करके अपना डिसीजंस करने चाहिए या डिसीजन कर सकते हैं। हर बंदा इंडिविजुअली फ्री है कि वो अपने डिसीजंस खुद कर रहे हैं अपनी थॉट के हिसाब से। कोई मैन की फिक्स नेचर नहीं है, कोई शेप नहीं है जिस तरह से वो लाइफ स्पेंड कर सकता है। ठीक है, फिलोसफी दैट प्लेसेस एम्फसिस इसका है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे, फ्रीडम पे या चॉइस के ऊपर। सीज द वर्ल्ड आर पर्सनल सब्जेक्टिविटी, देयर गुडनेस, ट्रूथ एंड रियलिटी आर इंडिविजुअली डिफाइंड। ठीक है, इंडिविजुअल की मतलब सब्जेक्टिव है,
ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है हर बंदे की पर्सनैलिटी कि उसके लिए गुडनेस क्या है, ट्रूथ क्या है और क्या रियलिटी है, ठीक है, वो इंडिविजुअल खुद ही डिफाइन करता है. रियलिटी इज़ अ वर्ल्ड ऑफ थिंग्स दैट सब्जेक्टिविटी चोजन एंड गुडनेस कम्स फ्रॉम ग्रुप डिसीजंस, राइट. मतलब सब्जेक्टिव है ये डिसीजंस. और एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अबाउट बींग सेंट विदाउट गॉड, मतलब कोई गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, बींग योर ओन हीरो, कोई पुराने हीरोज के ऊपर स्टडी नहीं करते थे, वो अपना हीरो अपने आप को समझते थे इंडिविजुअल, और खुद ही सब्जेक्टिवली डिसाइड करते थे व्हाट दे आर गोइंग टू डू और व्हाट दे आर गोइंग टू मेक एनी चॉइस विदाउट ऑल द सेंक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द रिलीजियस एंड सोसाइटी. ट्रेडिशनल व्यू जो आइडियलिज्म का है वो बेसिकली जैसे कोई आर्टिसन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई लाइक कोई इंसान है जो मतलब आइडिया सोचता है, ठीक है, उसके आइडिया में ही एसेंस है, उस आइडिया को कंक्रीट करता है, कंक्रीट फॉर्म में लेके आता है, एक्ट ऑफ मेकिंग करता है या कोई चीज़ क्रिएट करता है, तब जाके किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस एक्चुअल में आती है, ठीक है. ये प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू था. नाउ द करेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस पहले से होती है और आप फ्री हैं, आप उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, तब कोई चीज़ की एसेंस निकलती है, ठीक है. तो वी क्रिएट और ओन नेचर, हम अपनी नेचर खुद क्रिएट करते हैं, इंडिविजुअल अपनी नेचर सब्जेक्टिवली क्रिएट करता है. वी आर थ्रोन इन टू एग्जिस्टेंस फर्स्ट विदाउट अ प्री डिटर्मिंड नेचर एंड ओनली लेटर वी डू डू वी कंस्ट्रक्ट और नेचर और एसेंस थ्रू और एक्शंस. देन हम फिलोसॉफिकल थॉट्स को देखें एग्जिस्टेंशलिज्म की, तो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट नो पर्पज और मीनिंग ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का कोई पर्पज या मीनिंग नहीं है, ठीक है. इट होल्ड्स दैट देर इज़ नो गॉड, सॉरी अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक, ये बिलीव करता था कि कोई गॉड नहीं है. नो वर्ल्ड ऑर्डर और नेचुरल स्कीम ऑफ थिंग्स, कोई चीज़ लाइक आप जिस तरह चाहें आप अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है, कोई यूनिवर्स का मकसद नहीं है. एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखिए, वी कम टू नो ट्रूथ बाय चॉइस, हम जो स्टडी कर सकते हैं अपनी चॉइसेस की बिना पे, हम सब्जेक्टिवली डिसाइड कर सकते हैं क्या हमने पढ़ना है, क्या डिसाइड करना है, क्या नॉलेज गेन कर सकते हैं, राइट. और वो अपनी चॉइसेस पे बेस्ड करता है. अथॉरिटी इज फाउंड इन इटसेल्फ, हम हमारे अंदर ही अथॉरिटी, ह्यूमन बींग के पास अथॉरिटी है, इंडिविजुअल के पास. एक्सियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखें, चॉइस टू डिटरमिन वैल्यू, इंसान इंडिविजुअल के पास ही चॉइसेस हैं कि वो अपनी वैल्यूज़ को डिटरमिन करे और खुद फॉलो अप करे. देन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव्स दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ नॉलेज इज अबाउट ह्यूमन कंडीशन एंड द चॉइसेस दैट ही ईच पर्सन हैज टू मेक, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन के ऊपर, ह्यूमन क्या है उसकी नॉलेज और क्या चॉइसेस वो मेक कर सकते हैं. एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है, ऐसा प्रोसेस है जो इंसान को अवेयरनेस देता है अबाउट द फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि चॉइस आप खुद बना सकते हैं, फ्रीडम है उसके अंदर, तो आपको उसका ख्याल भी होना चाहिए कि आप कॉन्शियसली क्या चॉइस मेक करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो. एंड मीनिंग ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस चॉइसेस, कि आप मीनिंग भी पहचानें कि चॉइस आपने की है तो उसका क्या मतलब होगा, और आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे अपनी चॉइसेस के, और किस तरह से आप सक्सेसफुली उस चॉइसेस को मेक कर सकेंगे और अपने चॉइसेस के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे. देन अगर हम नेचर को देखें तो फोकस ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ही को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और उसी की एक्सपीरियंसेस को फोकस में रखा गया है. ऑफर्स इंडिविजुअल्स अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, कि किस तरह से वो सोचते हैं लाइफ के बारे में, ठीक है. देन अजम्पशंस अगर हम इसकी देखें तो एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, एग्जिस्टेंस ही एसेंस बनाती है. इन अदर वर्ड्स यू नीड एग्जिस्टेंस टू हैव एसेंस, हमें किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस चाहिए ताकि उसका एसेंस हो सके, ले सके हम, ठीक है. देयर इज़ नो प्री डिटर्मिंड ट्रू थिंग्स, पहले से कोई ट्रू थिंग्स नहीं है, हमने खुद ही अपने डिसीजंस के थ्रू ट्रू थिंग्स रिट्रीव करनी है. इट हैज़ टू ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू बिकम व्हाट इट इज. देन एजुकेशनल एम्स अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिस्ट टू ट्रेन इंडिविजुअल फॉर सिग्निफिकेंट एंड मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, के अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंगफुल बनाएं और उसकी वैल्यू को समझें, ठीक है, वैल्यूएबल बनाएं भी. सिंथेसिस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर टू एजुकेशन, द क्लासरूम इज अ फ्री मार्केट ऑफ आइडियाज, हर इंडिविजुअल फ्री है अपने आइडियाज शेयर करने के लिए, चॉइसिस मेक करने के लिए, एंड एज सच इट मस्ट गारंटी कम्प्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है, आइडियाज शेयर करने के लिए फ्री है और
फ्रीडम है, कंप्लीट फ्रीडम की गारंटी दी जाती है कि इंडिविजुअल वो जो भी सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं। द स्टूडेंट इज इनकरेज टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन टू गारंटी ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस। देन करिकुलम हम देखें, द करिकुलम वुड सिस्टमैटिक अवॉइड सिस्टमैटिक नॉलेज, मतलब जो स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर्ड यू नो स्कीम ऑफ स्टडीज है, उसको अवॉइड किया गया है, उसको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, स्टूडेंट की अपना फ्रीडम है कि वो सिलेक्ट कर सकें कि कौन सा लर्निंग सिचुएशन उनको पसंद है, वही अवेलेबल उनके लिए होना चाहिए। सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए, लिटरेचर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, लेकिन अपना हीरो खुद है वो। ठीक है, आर्ट्स फॉर एस्थेटिक एक्सप्रेशन, ह्यूमैनिटीज फॉर एस्थेटिक एथिकल वैल्यूज। देन टीचिंग जो मेथड्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया गया था, सेल्फ एक्सप्रेशन एक्टिविटीज, मेथड एंड मीडिया दैट इलस्ट्रेट्स इमोशंस फीलिंग्स एंड इंसाइट, इंक्वायरी अप्रोच पे फोकस किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड पे फोकस किया गया था। रोल ऑफ द स्टूडेंट क्या है कि उसने अपने रूल्स खुद बनाने हैं। सेम इज द केस विद स्कूल, स्कूल ने भी स्टूडेंट पे ही फोकस करना है क्योंकि स्टूडेंट इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट रखता है, अपनी चॉइसेस के लिए भी अपना इंडिपेंडेंट है, जो भी डिसीजन मेकिंग उसने करनी है। टीचर का रोल देख सकते हैं हम, टीचर कल्टिवेट्स पर्सनल चॉइसेस एंड इंडिविजुअल सेल्फ डेफिनेशन। ठीक है, कल्टिवेट करना है टीचर ने, उसको थोड़ा सा गाइड करना है, उसका देखना है, इम्प्रूव करना है, राइट, लेकिन चॉइसेस स्टूडेंट के पास ही है। गुड प्रोवाइडर ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, किसी तरीके से एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि स्टूडेंट नॉलेज गेन कर सकें। एफेक्टिव क्वेश्चनर, कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछें ताकि वो एफेक्टिवली उनको डायरेक्ट कर सकें। मेंटल डिसिप्लिनेरियन, मेंटली उनको डिसिप्लिन की तरफ लेके आएंगे, लेकिन डायरेक्टली बाय फोर्स कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज नहीं कर सकते स्टूडेंट के ऊपर। इंडिविजुअली आपने थोड़ा ट्राई करना है कि इम्प्रूव हो सके स्टूडेंट, और सिनेरियोज उनके लिहाज से देने, फुल फ्रीडम उनका होना चाहिए, फुल डेवलपमेंट उनकी ही होनी चाहिए क्योंकि चॉइसेस उनकी अपनी हैं, वो अपने हीरो खुद हैं, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इसके अलावा भी जो उनसे भी नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं ज़रूर आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ये फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक्स को लेके आऊँगी इंशाल्लाह। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।